आज हम बनाएंगे सहजन और लौकी का सूप। सहजन को ड्रमस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। ये सूप हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिन लोगों को जॉइंट्स की बीमारी है या जिन लोगों को वीकनेस है, वो अगर ये सूप बनाकर पीते हैं तो उनको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए लौकी और सहजन का सूप किस तरह से बनाया जाता है वो देखें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैंने अभी 4 बड़ी वाली सहजन ली है और 1 लौकी ली है। अगर सहजन का वजन देखे तो 150 ग्राम के करीब है। लौकी यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब ली है। सहजन को पानी से पहले हम अच्छी तरह से साफ कर देंगे और उसके दोनों साइड के जो डंठल है वो निकाल देंगे। इस तरह से उसे हम कट करेंगे। इसके छिलके जो भी निकल रहे हैं उसे हम निकाल देंगे। पूरे छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे हम प्रेशर कुक करने वाले हैं। अगर आप इसकी सब्जी बनाते हैं तो आपको इसके छिलके निकालने होते हैं। तो इस तरह से पहले मैं सहजन को कट कर लेती हूँ और बाद में लौकी को। लौकी हमें पूरी नहीं लेनी है, मैंने 3/4 लौकी अभी ली है। लौकी को भी मैंने छिलके निकाल कर कट कर लिया है। 5 से 6 कली मैंने लहसुन की ली है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम प्रेशर कुक कर लेते हैं। आप चाहे तो सहजन यानी कि ड्रमस्टिक का भी सूप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर लौकी डालते हैं तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा और आपका जो सूप है वो गाढ़ा बनेगा। अब इसके अंदर हम 1.5 ग्लास के करीब पानी डालेंगे और इसे प्रेशर कुक करेंगे। ये सूप के अंदर लहसुन डालने से इसका स्वाद तो बहुत बढ़िया आता ही है, साथ में लहसुन हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो हमें लहसुन का इस्तेमाल इस सूप में अवश्य करना चाहिए। 3 से 4 विसल आने तक या फिर 8 से 10 मिनट के लिए इसे हम प्रेशर कुक करेंगे। जब कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम ओपन करेंगे। अभी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो ड्रमस्टिक को हम हाथों से इस तरह से मसल देंगे ताकि उसका अंदर वाला जो हिस्सा है वो आसानी से बाहर आ जाए और इसके जो छिलके हैं वो अलग हो जाए। इस तरह से हमें सारे ड्रमस्टिक का अंदर वाला जो मावा है वो निकाल लेना है और फिर उसके बाद हैंड ब्लेंडर से हमें इसे ब्लेंड करना है। तो अभी मैं सारे ड्रमस्टिक को इस तरह से मसल कर उसका अंदर वाला जो हिस्सा है उसे निकाल लेती हूँ। अब इस तरह के हैंड ब्लेंडर से इसे हम ब्लेंड कर देंगे। आप चाहे तो मिक्सर जार के अंदर इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट में अच्छी तरह से लौकी और ड्रमस्टिक का जो मावा है वो ब्लेंड हो जाएगा। अब एक छलनी में इसे हम निकाल देंगे ताकि अगर ड्रमस्टिक का छिलका या फिर लौकी का कोई छिलका रह गया हो तो वो निकल जाए। जब भी आप सूप बनाने के लिए ड्रमस्टिक लाए तो वो फ्रेश होनी चाहिए। अगर वो पुरानी होगी तो हो सकता है कि उसका स्वाद थोड़ा सा सूप के अंदर कड़वा आए। मैंने अभी 1/2 ग्लास के करीब इसके अंदर पानी डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। ये सूप अगर आप बना कर रखते हैं और 2 से 3 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि कभी कभार ये सूप का स्वाद आपको कड़वा आए। अगर ड्रमस्टिक को आप पकाकर बहुत ज़्यादा देर तक सूप में रखते हैं तो उसमें कभी कभार कड़वापन आ जाता है, तो इस बात का ख्याल रखें। अभी मैंने इसे छान लिया है। अब एक हम कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हमने जो मिश्रण छाना है वो डाल देंगे। ये सूप के अंदर हमें कोई तड़का नहीं लगाना है, इसे डायरेक्ट हमें गर्म ही करना है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम और स्लो के बीच में रखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। 1/2 चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा डालेंगे, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। 1/2 चम्मच के करीब इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम उबलने देंगे। अगर आपको गाढ़ा सूप पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी कम डालें। तभी हमारा गर्मा गर्म ड्रमस्टिक और लौकी का सूप बनकर तैयार है। ये सूप की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना ना भूले। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए आप मुझे मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सारी नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।